अगर आप एक म्यूज़िक एंड सिंगिंग लवर है और बजट सेगमेंट में एक कैरोके माइक ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो देखते रहिए बत्रा जी टेक। तो गाइज ये है आपके सामने कैरियोके वायरलेस माइक, और इसे आप कैरियोके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये अमेज़ोन पे लगभग 500 से 1000 रुपए के बीच में बिकता है, इसके रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। WS-858 इसका मॉडल नंबर है। इसके और भी मॉडल आते हैं इस चाइनीज़ प्रोडक्ट के, जैसे Q7 या Q5 करके। फ़िलहाल जो ये मॉडल है ये WS-858 है, और बॉक्स पैक बना से डाल लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसके कुछ फ्रंट में कुछ फीचर्स दे रखे हैं, और साइड में एक बंडल से डालते हैं तो फिर साइड में भी इसके कुछ मेन फीचर्स दे रखे हैं, और एक बार इसको घुमा लेते हैं। ये इसका फ्रंट में कुछ इसकी पिक दे रखी है, और बाकी तो कुछ है नहीं। और ये रोज़ गोल्ड मॉडल है। अब इसको खोलते हैं। तो खोलने पर ये इस बॉक्स में आ रहा है। कभी कभी एक दूसरे सेलर से मैंने पहले Q7 या Q5 करके मॉडल मंगवाया था, वो एक बैग में था, तो और ये गत्ते के बॉक्स में है। तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये इसके अंदर मैनुअल गाइड है, और बाकी ये माइक्रो USB इसका वायर होती है, USB टू माइक्रो USB चार्ज करने के लिए, यानी मेन जो माइक्रो USB आपके घर में फ़ोन होते हैं उस चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा, और ये मेन है यूनिट। चलिए बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं एक बार। तो ये है आपके सामने WS-858 Karaoke माइक। अब नज़र मारते हैं इसके नीचे कुछ कनेक्टिविटी पे। तो ये कुछ ये इसका चार्जिंग पोर्ट दे रखा है माइक्रो USB वाला, और यहाँ TFT कार्ड डल जाता है, यानी मेमोरी कार्ड जिसे आप बोलते हैं, और यहाँ USB अपना पेन ड्राइव लग जाती है, और ये है आउटपुट के लिए जैक, यानी आउटपुट देने के लिए मोबाइल पे आप लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या किसी आउटपुट किसी डिवाइस में लगा सकते हैं इसका। और ऊपर की तरफ ये कुछ बटन दे रखे हैं जिसको हम बाद में ऑन करके बताएंगे क्या है, और ये इसका ऑन ऑफ बटन है जिसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस साइड स्पीकर है जहाँ से सॉन्ग्स बजते हैं। तो इसे Karaoke के अलावा सिर्फ गाना गाने के साथ, मतलब उसके अलावा आप इसे इसमें गाने भी बजा सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके अंदर। तो अब इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इनके अंदर फीचर है। ऑन करने के लिए इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अब ये पेयर के लिए रेडी है। जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये स्विच ऑफ और ऑन होता है, अगर आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो FM मोड पे चला जाएगा। देखिए अब इसका रेडियो मोड ऑन हो गया है। तो सिंगल टैप इनके मोड ऑन करने के लिए, और लॉन्ग प्रेस ऑन ऑफ करने के लिए। अब जब रेडियो मोड में चलाएंगे तो इसे आप स्कैन कर सकते हैं इस वाले बटन से, ये ऊपर वाला बटन स्कैनिंग के लिए है। देखिए एक बार क्लोज आपको दिखा देते हैं इनके बटन। स्कैन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, प्रीवियस, नेक्स्ट, और ये है माइक की वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, यह रिमिक्स। तो अब इसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर आपको करके दिखाते हैं। आप ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए रेडी है ये। तो ब्लूटूथ में जाके मैंने ये ऑन कर दिया है, और ये कनेक्टिविटी के लिए दिखा रहा है। जैसे ही यहाँ प्रेस करेंगे तो ये पेयर के लिए नोटिफिकेशन दिखाएगा, और आप इसे पेयर कर दीजिए तो पेयर हो। तो यह पेयर हो गया है। आपको इसमें सॉन्ग एक बार बजा के दिखा देते हैं। Just pull me away, pull me away.
तो इस तरह से आप इसमें कोई भी कैराओके म्यूज़िक लगा कर उसके साथ साथ गा सकते हैं। एक बार मैं इनके और फीचर्स पर नज़र मार देता हूँ। अगर आप इसमें पेन ड्राइव मोड चलाएंगे तो पेन ड्राइव मोड में क्या होगा, आपको पेन ड्राइव मोड चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले करने लग जाएगा। आपको पेन ड्राइव लगा के दिखाता हूँ मैं। तो इस तरह से पेन ड्राइव लगाते ही ये ऑटोमेटिकली बजने लग जाता है। प्रीवियस नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं, इसको यहाँ से पॉज कर सकते हैं। ये इसकी माइक की वॉल्यूम के लिए है और ये इको के लिए है रीमिक्स बटन। तो एक बार इसको निकाल देते हैं। तो ये भी निकल के दोबारा ब्लूटूथ मोड पे चला गया है। और बात करें एक माइक मोड की और इसके फीचर्स की, तो ये आपको माइक वॉल्यूम दे रखी है बोलने के लिए। माइक वॉल्यूम है, इसे कम करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, इसे ज़्यादा करोगे तो आवाज़ आएगी। एक बार सुनाता हूँ, हेलो हेलो हेलो। तो इस तरह ये माइक की वॉल्यूम है और ये इको है, यानी आप इसे कम कर दोगे तो इको चला जाएगा, इसे ऊपर कर दोगे तो इको फुल हो जाएगा। तो ये रिमिक्स है। तो एक बार आपको इको मोड पे या रिमिक्स मोड पे हेलो बोल के दिखाता हूँ। हेलो हेलो, ऐसे ही इको होता है इको मोड पे फुल करने पे, यानी रिमिक्स मोड पे फुल करने पे। अब इसे बंद कर देगा तो हेलो की आवाज़ चली जाएगी। हेलो हेलो हेलो। अब इसके अलावा बात करें बाकी फीचर की, तो ये प्रीवियस नेक्स्ट गाने के लिए है। जैसे आप प्ले करेंगे तो प्रीवियस करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो गाना प्ले करते हुए आगे पीछे हो जाएगा। और स्कैन, ये एफएम के लिए, स्कैन एफएम चैनल स्कैन कर सकते हैं इस बटन से, और इस बटन से गाने प्ले पॉज भी कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन है, गाने की वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, कैराओके म्यूज़िक की वो अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। माइक की वॉल्यूम भी यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और बात करें मी बीच वाले फीचर्स की, तो एक बार आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो कैराओके आपका बंद हो जाएगा चलते चलते, यानी म्यूज़िक बंद कर सकते हो तो खाली माइक मोड ऑन रहेगा। और एक बार दोबारा सिंगल प्रेस कर देंगे तो माइक और म्यूज़िक मोड दोनों ऑन हो जाएंगे। और इसके अलावा इस बीच वाले बटन का एक और फीचर है कि ये वॉइस चेंजर का फंक्शन इसमें दिया गया। आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें वॉइस चेंजर के अलग अलग ऑप्शन आएंगे। ये देखिए, लॉन्ग प्रेस करता हूँ, अभी लॉन्ग प्रेस किया, इसके बाद सुनो हेलो हेलो हेलो। अब एक बार मैं फिर आपको लॉन्ग प्रेस करके दिखाता हूँ अगला वॉइस चेंजर सुनाने के लिए, हेलो हेलो। तो एक और मैं सुनाता हूँ, हेलो हेलो हेलो। तो इस तरह से ये वॉइस चेंजर लॉन्ग प्रेस करके हम इसमें कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ, एक बार इसका ऑपरेशन टाइप का करके कि ये। अब एक बार मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसके नोटिफिकेशन लाइट है ब्लू वाली, इधर रखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो गया है। तो ये ऊपर की तरफ आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ कि इसका माइक कैसा है। ये इसका माइक है, हेलो हेलो। और नीचे की तरफ आपको सेल भी दिखाता हूँ, हेलो 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 हेलो। और नीचे की तरफ आपको सेल दिखाता हूँ। ये वॉइस चेंजर मोड इसके अलग अलग होते हैं जो मैंने चेंज किया है नॉर्मल मोड पे। तो अब नीचे की तरफ एक बार खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर सेल है, इसका चार्जिंग जो होता है लेता है। ये ओपन करोगे तो यहाँ सेल दिखेगा आपको, यानी बैटरी दिखेगी, सेल नहीं बैटरी। तो ये बैटरी है इसकी, अच्छी खासी बड़ी है। तो कुल मिलाकर मैंने सब आपको फीचर बता दिए हैं इसके, और बजट के हिसाब से अपना शौक पूरा करने के लिए माइक बहुत अच्छा है। तो आपको मंगवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। और ये गोल्डन, रोज़ गोल्डन कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब करने की बोलने की जरूरत नहीं, अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइब करोगे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बत्रा जी टेक।